तो देख सकते हो गाइस इसको रिजल्ट मिल चुका है फाइनली सन्नी को। ओ भाई को रिजल्ट मिल गया। चल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ पूरे 9 महीने हो गए, तो वीडियो के स्किप मत करना। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, और अपने फ्रेंड को शेयर करना है वीडियो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि मेरा 12th का सर्टिफिकेट था जिसमें मेरे फादर्स नेम गलत हो गया था। मेरी 10th में सही था बट 12th में गलत हो गया था, जो मैंने करेक्शन करवाने में मेरे को बोले थे 1 से 2 महीने लग गया। पूरे 9 महीने मेरे को CBSE वालों ने चक्कर कटवाया, प्लस स्कूल वालों ने तो हाथ खड़े कर दिया, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो गलती है तेरी है, तूने करी। फिर मैंने जो भी डिटेल निकलवाया 6th से 10th तक का, सब में सही था कि फादर से हम सही है। फिर 12th में एक जगह मुझे पता लगा कि स्कूल से ही गलती हुई थी, फिर उन्होंने लिख के मेरे को एप्लीकेशन वगैरह दे दिया। फिर मैं CBSE के चक्कर काट रहा हूँ, पूरे नौ महीने से। तो देखो मैंने चक्कर कैसे कैसे काटा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, बाई चांस कोई मिस्टेक ना करे। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप एक बार वेरीफाई कर ले कि सब कुछ डिटेल सही है कि नहीं है, नहीं तो बाद में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। देखो मैंने कैसे चक्कर काटा था। आज तो मैं अपने स्कूल के गेट पर पहुंच गया हूं। अभी 11:35 हुआ है और मेरा दोपहर का स्कूल है तो 12:30 बजे होगा, इसलिए अभी हमारा शिफ्ट स्कूल का नहीं हुआ ना। तब स्कूल में जाते स्कूल वाले क्या बोलते, स्कूल वाले तो गोली दे रहे हैं कि मतलब तुम CBSE भी जाओ। मैं CBSE से होकर आ गया। अब उन्होंने बोला कि यहाँ से एप्लीकेशन लिखवाओ फिर आना। अब देखते हैं क्या कहते हैं, तो सीधा हाथ ऊपर कर लेते कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, सारी गलती इन्हीं की है। बोलते इन्होंने भेजा था, बोलते कि तेरी गलती है। अरे हमने थोड़े भेजा था CBSE में कि नाम ये हुआ है, खुद भेजो ना तुम। गाइस तो मैं अभी कितना आया था 11:30 बजे, पूरे 2 बज गए, 2-3 घंटे के बाद इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिखवाया। और ये पता क्या बोलते हैं कि जाके पूछो डिजिटल भिजवाना है, हरकरा भेजना, मतलब हरकरा मतलब डिजिटल होता है, मैनुअल मतलब ऐसे। तो ये बोले पूछ के आओ, ऑनलाइन लेंगे या फिर ऑनलाइन लेंगे, पूछ के आओ। मतलब अब यहाँ से हम पूछने जाएँ, चलो आप पूछ के आते हैं फिर आकर बताएं। हाँ गाइस तो हम अभी बस निकलने जा रहे हैं, हमारी स्कूटी पेट्रोल ख़त्म हो गया, क्या करें, पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे फिर जाते हैं। अब जाके पूछना पड़ेगा कि वहाँ से ऑफलाइन लेंगे या ऑनलाइन। हरकारा का मतलब होता है ऑनलाइन, इन्होंने बोला हरकारा, मैं पहले समझा ही नहीं हरकारा क्या होता है। तो हरकारा का मतलब ऑनलाइन होता है, जाओ देखते हैं क्या होता है। वहाँ पर 2 चक्कर लग रहा है CBSE का। गाइस तो मैं CBSE के ऑफिस से बाहर आ गया, हेड ऑफिस से, और इन्होंने प्रिंसिपल सर ने मोहर भी नहीं मारा था, तो इन्होंने ना रिजेक्ट कर दिया, देखो ये कट कर दिया। इन्होंने पूछा था कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो इन्होंने बोला कि ऑफलाइन हो जाएगा, सब कुछ लेके आओ। और सर मतलब इससे भी हो ही जाता है मेरा, पर सर ने मोहर नहीं मारा, मुश्किल कैसे बन जाता। छोड़ो यार, अब वापस स्कूल में जाना है मेरे को, सब कुछ निकलवा के वापस से जो मेरा शुरू से रिकॉर्ड था उसको निकलवा के, फ़ोटो कॉपी जो जो मेरे स्कूल में डॉक्यूमेंट लगे उसको निकाल के मुझे यहाँ पे लेके आना है, फिर ऑफलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ऑनलाइन में अटक जाता है तो बोले कि ऑफलाइन कर देंगे, इन्होंने बताया। तो चलो अब स्कूल जाके देखते हैं क्या क्या बोले स्कूल वाले। तो बोले आज नहीं होगा, पर मैं आज उनको जाके बोलना होगा मुझे कि निकाल के रखना और मैं आता हूँ। तो चलो वहीं पर चलता अभी स्कूल। इस भाई को मैं और उल्टा परेशान कर रहा हूँ, सॉरी भाई। कोई नहीं भाई, भाई स्कूल में सुबह से अपने साथ परेशान करो। तो चलो गाइस तो मैं स्कूल में गया था, स्कूल वाले बोल रहे थे क्या अब मंडे को आना क्योंकि सर नहीं आएंगे, जो शुरू से जो मेरा जो भी डॉक्यूमेंट था वो सर नहीं आए। अरे ये तो कोई भी निकाल सकता है ना, बोले को सर आएंगे तब निकालेंगे, बहाना बना रहे, पता नहीं क्या है चक्कर। अब देखते हैं कब निकलेगा गाइस, फिर हम कल स्कूल जाएंगे। अब कल जाएंगे, आज तो हुआ नहीं है, परेशान परेशान कर रखता है भाई, चक्कर कटवा रहे हैं। वीडियो को फैला देना अपने फ्रेंड को, किसी का भी नाम गलत हुआ हो ना फैला देना, स्कूल में तो स्कूल वाले को तो ऐसी तैसी करनी है बस। फ्रेंड इस वीडियो से आपको सीखने को भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर इनका भी गलत होगा तो कुछ ना कुछ आपको जो करवा हेल्प होगा, जैसा मैं आपको कर रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा। मैं लास्ट में एकदम शॉर्टकट बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है तुम्हें। तो अभी देखे बने रहो वीडियो के साथ और देखो आगे क्या होता है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ डाउट हो तो। हाँ कमेंट करके पूछ लेना। गाइस तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था भाग के CBSE का भी स्कूल, तो मैं जैसे तैसे करके अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया। 6th में मेरे फादर्स नेम क्या था, और जब मेरा 9th में रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें क्या था, तो उसमें सब कुछ सही था। 10th में भी मेरे जो 10th का सर्टिफिकेट था उसमें भी फादर्स नेम बिल्कुल सही था, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं था, बिल्कुल नाम ही चेंज कर दिया था। तो एक बार मैं इसमें चेक कर रहा था, तो मैंने एक बार फाइल सर ने बोला कि एक बार चेक कर ली इस फाइल में, तो मैंने फाइल सबमिट करा तो मेरे फाइल में सही था, बट सर से गलत हुई थी कि सर ने क्या लिख के दिया था। जब रजिस्टर में जब मैंने देखा ना कि रिकॉर्ड क्या भेजा जाता है, तो स्कूल के टीचर से गलती हुआ था। तो यहाँ पे CBSE वालों को कोई गलती नहीं निकला,
जो गलती था स्कूल वालों की गलती था मैंने चेक कर लिया था। फिर तो एक हफ्ते लग गए मेरे को डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में, तो स्कूल का गार्ड का भला हो, उस बंदे ने मेरे को सारा अपना बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किया भाई, सब कुछ निकाल के एक एक चीज़ करके उसने दिया। तो अभी भी मैं उसको थैंक यू बोलूँगा, अगर उसने वीडियो देखा होगा तो ऐसा देख भी होगा, बहुत थैंक यू भाई, आपने बहुत हेल्प की। उसके बाद मैं एक हफ्ते बाद जाके मैं सबमिट कर दिया। फिर गाइस मैं 6 महीने बाद आया, तो यहाँ अप्रूवल तो हो गया है। तो अप्रूवल होने के बाद ये बोलते हैं कि एक DDA बनवा के लाओ, जो फीस सबमिट करनी होती है 1000 के। तो अब DDA बनवा के लाना बैंक से, तो फिर उसके बाद 1 महीने का प्रोसेस होगा, 1 या 2 महीने का। तो मैं अब जा रहा हूँ DDA बनवा। तो गाइस मैं डिमांड ड्राफ्ट लेके आया था CBSE ऑफिस। क्या हुआ भाई डिमांड ड्राफ्ट लेके आने? उन्होंने बोला सेक्रेटरी CBSE लिखा, बार बार धक्के खिला रहे हैं। अब पहले मैंने CBSE बोर्ड के नाम से बनवाया था, अब ये बोले डिमांड ड्राफ्ट गलत है, और डिमांड ड्राफ्ट इतनी आसानी से तो बनता नहीं है, इतनी मुश्किल से, तो 2 दिन बैंक का चक्कर काटा तब बना, और ये पागल बना रहे। गाइस वो भी हम डिमांड बाजार लेने गए थे, तब जाके हमें मिला, बहुत धक्के खा रहे हैं। सदर बाजार से बनवा के ले गया था, मैं मंडे को जाऊंगा, फिर देखो अब बनवाना है प्रॉपर। अब इन्होंने बोला कि इसकी फोटो ले लो, फिर पहले तो बताया नहीं, बोले कि जाओ भाई चेक ले आओ, अब बोले कि डिमांड ड्राफ्ट, ये भी धक्के खिलवा रहे। पूरे 7 महीने हो चुके आज, 7 महीने आज पूरे 7 महीने हो गए। अब देखते हैं, अब डिमांड ड्राफ्ट दोबारा मैं बनवा के लेके आता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो गाइस मैं CBSE ऑफिस आया हुआ था, और मेरा DD जमा हो गया है, और इन्होंने बोला है कि करीब आप 1 मंथ बाद आना। तो अभी ऑलरेडी 8 मंथ हो गया है, फिर उसके बाद DD जमा होने के बाद बोले 1 महीने बाद, अब देखो कितना टाइम लगता है। तो अब प्रॉपर अगर सर्टिफिकेट बन जाता और मिलता उसके बाद पूरी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ₹150 के डलवा ले। गाइस तो फाइनली 1 महीने बाद आया, तो अभी भी तैयार नहीं हुआ, बस इतना पता लगा है कि मेरा रिजल्ट तक बन गया है, बस साइन होना बाकी। तो ये सुन के थोड़ा अच्छा लगा, और भाई प्रिंस को भी मैंने परेशान कर दिया। नहीं भाई भाई है अपना, फॉलो करो लाइक करो इस वीडियो। तो गाइस बहुत, अगर आपको कुछ दिक्कत है तो बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, आप एक एक साल से लाइन में लगे हुए बंदे, मैं तो ये देख के हैरान हो गया। तो आके फाइनली देखते कितना टाइम हो गया, और बस ये सुन के अच्छा लगा मुझे कि बस हो गया, बस साइन होना है। तो 15 दिन बाद आता हूँ। गाइस तो हम 15 दिन बाद आ गए, 26 तारीख है, और अभी जब CBSE आया था यहाँ पे लंच हो रहा है। गाइस तो रिजल्ट हो गया तैयार, हो गया फाइनली। तो उन्होंने बोला कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले आओ, अब देते हैं। उन्होंने हमें रिजल्ट तो दिखाया नहीं, बट हो गया ऐसा लग रहा है, हो गया। तो अभी हम रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, फोटो कॉपी कराने, आधार कार्ड के एक ID प्रूफ लेंगे तो अब देंगे शायद, है ना। तो रोड क्रॉस करके जाते हैं, फोटो कॉपी, बहुत एक्साइटेड हूं, फटाफट चलते हैं। एक साल हो गया गाइस, एक साल, तो चलो चलते। कैसा मजा आ रहा है यार, सच में बहुत खुश हूँ मैं यार। गाइस तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी हो गई है, कि क्या होता है, रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता। हाँ कैमरा छुपा दे, कोई देख रहा है। ओके ओके क्या हो आएंगे, वो आएंगे। रिजल्ट मिलने के लिए तो गाइस अभी तो बहुत भीड़ हो रही है, देख सकते हो अंदर ऑफिस में भी भीड़ हो रही है, लाइन में लग भाई। कैसा लग रहा है भाई रिजल्ट आने वाला है? तो गाइस भाई का फैन मिल गया है, अब ये नंबर लिखेगा, नंबर लिख लिया होना चाहिए, हटा ले। गाइस तो नंबर वगैरह लिख दिया है, तो रिजल्ट होता है हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करता है। तो देख सकते हो गाइस इसको रिजल्ट मिल चुका है फाइनली सन्नी को, ओ भाई को रिजल्ट मिल गया। चल सन्नी भाई कैसा महसूस हो रहा है रिजल्ट मिलने के बाद? इसका फाइनली रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मिल गया अब तो भाई को, भाई खुश हो आप? बहुत ज्यादा वीडियो ले कुछ कहना चाहोगे जो हमने वीडियो मेहनत करके बनाई है?
गाइस, तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और पूरे 9 महीने लग गए चक्कर काटते काटते, तो आपने देख लिया होगा स्टेप बाई स्टेप। बहुत ज़्यादा चक्कर लगता है अगर आपको कोई भी करेक्शन करवाना, बट हो जाता है, टाइम लगता है पर हो जाता है। आने वाले बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी वीडियो है जो हम बना रहे हैं। मेरा फादर से गलता हुआ तो ठीक हो गया, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। तो बाय गाइस। तो गाइस, प्रिंस को भी बहुत बहुत थैंक यू, इसने हमेशा साथ दिया, हमेशा आया, जितनी बार चक्कर लगा उतनी बार, मतलब हर वीडियो में आपने देखा ही होगा कि साथ साथ आते रहा मेरे को, और सब मतलब हर बार आया अपनी स्कूटी लेकर, पेट्रोल जलाई बंदे ने, हमेशा आया मेरे साथ, तो इसको भी बहुत थैंक यू। और गाइस, कभी हार मत मानना, ठीक हो जाता है। मैं भी हार मान चुका था एक टाइम, 9 महीने हो गए, 9 महीने में हर 5 दिन 6 दिन बाद बुलाते थे, रिजल्ट ठीक हो गया ना, सब कुछ ठीक हो गया, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। थैंक यू गाइस, गाइस इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे को जागरूक करेगी आने वाले टाइम के लिए। तो गाइस थैंक यू, बाय। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और शेयर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना। अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, रिप्लाई दे दूंगा मैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, और कोई भी डाउट हो तो बिना डाउट के कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाय।